सो गाइस, ये वाला जो काम है सिर्फ फायर बोल्ट ही कर सकता है। 1700 रुपए में यहाँ पे एमुलेट स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिए है, जिसका नाम है फायर बोल्ट ब्रिलिया। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल स्मार्ट वॉच, उसी के साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल कूपन आपको देखने मिलते हैं, काफी बड़ा सा यूजर मैनुअल उन्होंने प्रोवाइड किया, एंड फाइनली इसकी मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल स्मार्ट वॉच। सारी चीजों के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास शैम्पेन कलर एंड ब्लू कलर में दो वेरिएंट में स्मार्ट वॉचेस है। फ्रेम जो है यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मेटालिक देखने मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का उन्होंने यूज किया है। स्ट्रैप जो है आपको एप्पल वॉच जैसे देखने मिलते हैं, कुछ इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो इसे। एंड साइड में यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन देखने मिलता है, जो एक्चुअल में यहाँ पे वर्क भी करता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको माइक एंड स्पीकर देखने मिलता है। वैसे गाइस, ये जो वॉच है ना, IP67 रेटिंग के साथ आती है। गलती से अगर ये पानी में गिर जाती है, टेंशन मत लीजिए। वैसे यहाँ पे आपको स्विमिंग का भी वर्कआउट मोड देखने मिलता है। सो गाइस, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया निकल के आते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैसिव 2.02 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, 240x296 रेजोल्यूशन के साथ। सो डिस्प्ले एमोलेड है, बट रेजोल्यूशन वाला पार्ट है ना, कम आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइस, बेजल्स आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मिनिमल से आपको देखने मिलते हैं। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है, 750 निट्स के निकल के आते हैं। आउटडोर्स में भी विजिबिलिटी बढ़िया निकल के आएगी। एंड ऑलवेज ऑन का भी फीचर आपको देखने मिलता है। सेटिंग्स में जाके आप डिजिटल एंड एनालॉग ऑलवेज ऑन वॉच फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस जो है ऑलवेज ऑन की काफी बढ़िया निकल के आती है। सो गाइस, डिस्प्ले भी अमेजिंग आपको देखने मिलता है। टॉप ऑफ दैट ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर है, AI वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने मिलता है। सो AI की हेल्प से यहाँ पे कॉल को हम प्लेस करते हैं। एक्चुअली AI की नहीं, गूगल असिस्टेंट की हेल्प से कॉल को प्लेस करते हैं। कॉल टीम टेक अनबॉक्सिंग। ओके, कॉलिंग टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल जो है प्लेस हो चुकी है। आवाज कम लग रहा है बहुत ज्यादा। हेलो। हेलो सर। यस मिस्टर बाबा, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा, मेरी आवाज कैसे सुनने मिल रही है? आवाज आ रही है सर, अच्छी आ रही है। अच्छा, तुम्हारी भी आ रही है डिसेंट, मतलब कुछ डिस्टरबेंस वगैरह महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट आवाज आ रहा है सर। चलो ठीक है, तुम्हारा भी डिसेंटली यहाँ पे साउंड कर रहा है। सो गाइस, इन शॉर्ट है ना, आप इनडोर कॉलिंग के लिए इसे यूज कर सकते हो। स्पीकर इतना ज्यादा लाउड नहीं है आउटडोर कॉलिंग के लिए। एंड गाइस, हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग देखने मिलता है। एंड जी गाइस, इंटेंसिव टेस्ट तो बनते हैं, तो यहाँ पे हमने टेबल पे इसे प्लेस किया था। हार्ट रेट हो गया या फिर SpO2 हो गया, यहाँ पे क्लियरली आपको प्रॉम्प्ट देखने मिलता है, वेयर द स्मार्ट वॉच प्रॉपरली, इन शॉर्ट सेंसर एक्यूरेट आपको देखने मिलता है। टॉप ऑफ दैट 120+ वर्कआउट मोड्स भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे आपको स्विमिंग के भी ढेर सारे वर्कआउट मोड्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आउटडोर वॉकिंग का जो वर्कआउट मोड है ना, उसे हमने टेस्ट किया था। स्मार्ट वॉच के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलती है। सो गाइस, वर्कआउट्स के लिए डेफिनेटली आप इस स्मार्ट वॉच को कंसिडर कर सकते हो, वो भी बजट प्राइस में एमोलेड वॉच। एंड उसी के साथ डायरेक्टली हम बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच के UI की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने मिलती है। एंड यहाँ पे जो रोटेटिंग क्राउन है ना, उसकी हेल्प से वॉच फेसेस को आप डायरेक्टली यहाँ से ही चेंज कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं, क्विक एक्सेस सेटिंग्स आपको देखने मिलते हैं। नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं, नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने मिलता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ढेर सारे विजिट्स उन्होंने प्रोवाइड किए। UI वाला पार्ट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड आपको देखने मिलता है। एडिशनल विजिट्स भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। UI आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है। राइट हैंड साइड में स्वाइप करते ही क्विक एक्सेस मेन्यू आपको देखने मिलता है। एंड यस, यहाँ पे जो डायल है उसे प्रेस करते ही आप मेन मेन्यू में जाओगे, जहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स, स्पोर्ट्स मोड, एक्सरसाइज रिकॉर्ड, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फिर यहाँ पे प्लेयर, AI वॉइस असिस्टेंट, टाइमर, अलार्म, स्टॉपवॉच, फीमेल मेंस्ट्रुअल हेल्थ साइकिल रिमाइंडर का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। गेम्स आपको देखने मिलते हैं, 3 गेम्स यहाँ पे आप खेल सकते हो। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। एंड फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप ढेर सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे कि ऑलवेज ऑन वॉच स्क्रीन भी। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया UI आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच में। गाइस, नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्विक नोटिफिकेशंस आपको देखने मिलते हैं। कॉल इमीडिएटली स्मार्ट वॉच के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। SMS भी क्विकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, जहाँ पे रफली 15 वर्ड्स का SMS डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के ऊपर आप रीड कर सकते हो। हालांकि गाइस, हिंदी SMS का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देखने मिलेगा कि कोई वर्क चल रहा है बैकग्राउंड में, बट हिंदी SMS डिस्प्ले नहीं होता है। डिस्प्ले होता हिंदी SMS तो बढ़िया ही होता। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर कितने MAH की बैटरी है वो फायरबोल्ट ने डिस्क्लोज नहीं की है, बट एमोलेड ब्लूटूथ कॉलिंग है,
सो एक से दो दिन तक ही मैक्सिमम इसकी बैटरी लाइफ चलेगी। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के यूआई की तरफ। सो गाइस ये है द फिट एप्लीकेशन एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको ढेर सारे विजेट्स देखने मिलते हैं हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के। एंड यस गाइस यहाँ पे नेक्स्ट मेन्यू में आप देख सकते हो आपको वर्कआउट के कुछ ऑप्शंस देखने मिलते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस आप वॉच कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच जो है कनेक्टेड है, बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, ढेर सारे वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड करके आप इन्हें सिंक कर सकते हो। जी हाँ गाइस ऑनलाइन भी आप देख सकते हो ढेर सारे वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हो वॉच फेस को, नोटिफिकेशन के ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, फाइंड माय डिवाइस, अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, शटर, ई कार्ड, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, अदर ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे कस्टमाइजेशन से आपके हिसाब से आप कर सकते हो। एंड जी हाँ गाइस यहाँ पे आपको फर्मवेयर अपग्रेड का भी ऑप्शन देखने मिलता है। सो गाइस काफी बढ़िया यू आपको देखने मिलता है द फिट एप्लीकेशन में। सो गाइस 1700 रुपए की प्राइस में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्ट वॉच क्रिएट करता है। एमोलेड डिस्प्ले भी है, ऑलवेज ऑन का फीचर है, IP67 की रेटिंग है। सो गाइस ये प्राइस ब्रैकेट में यू नो ड्रॉबैक्स नहीं निकाल सकते। वैसे गाइस आपके क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच को लेके कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जितने भी सारे परचेस लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।